Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज Chinese language course complete in Urdu के lecture number 30 के साथ हाजिर हूं। तो start करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में पहला word है हमारे पास ता। ता को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ता का मतलब हमने पहले पढ़ा था big और इसको हमने use किया था ताशोए university के अंदर। तो ता का एक और मतलब है hit करना, मारना, beat करना, मारना, ठीक है? ता मतलब के थप्पड़ थप्पड़ मार देना, ये वाला मारना, किल करना नहीं, सिर्फ मारना। ता वतानी, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। बेशम्मानी नितावा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तुआ। तुआ का मतलब होता है हाउ मच, लेकिन आप तुआ को सिंगल यूज नहीं करेंगे कहीं पे, लेकिन आपको जस्ट बता रहा हूं कि इसका मतलब हाउ मच होता है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट आप इसको तुआ नहीं यूज कर देंगे। अभी मैं आपको यहां पे क्यों सिखाने वाला हूं तुआ, तुआ क्यों बता रहा हूं। तुआ को हम यूज करने वाले हैं एज पूछने के लिए, ठीक है? अगर आप किसी से एज पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछेंगे वो अभी हम देखते हैं। उसका दोस्तों तरीका है कि आपने बोलना है नी तुआ ताला। तुआ हाउ मच, ता हिट करना या बिग ला, और जिसकी एज पूछनी है उसको स्टार्ट में लगा देना है। अभी आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट पर्सन की जो आपके सामने खड़ा है, नी तुआ ताला, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। नी तुआ ताला, नी की जगह आप लगा सकते हैं था तुआ ताला, उसकी उम्र कितनी है। नीदा पापा तुआ ताला, आपके अब्बू की उम्र कितनी है, ठीक है? एक और हमारे पास दोस्तों वर्ड है सुई, एस यू आई सुई। सुई का मतलब होता है इयर्स ऑफ एज, ठीक है? अब दोस्तों एज पूछने का एक और तरीका भी है, वो है नी ची सुईला, नी ची सुईला। अब नी की जगह आपने कोई भी बंदा लगा देना है जिसकी आप उम्र पूछना चाह रहे हैं, और ची सुईला, ची हाउ मैनी, सुईला Years of age, ठीक है? ये एक वैसे मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, लेकिन पूरा एक ये सेंटेंस है तो आपने इसको इसी तरीके से बोलना है, बस स्टार्ट में जिसकी एज पूछनी है वो। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नी तुआ ताला का मतलब भी वही है और नी ची सुईला का मतलब भी वही है, लेकिन दोस्तों बता दूं कि इन दोनों में जस्ट इतना सा फर्क है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं चाइनीज क्या करते हैं, जो ये है नी तुआ ताला, ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनसे जब उन्होंने एज पूछनी होती है उसके लिए वो ज्यादातर ये यूज करते हैं नी तुआ ताला। जब किसी छोटे से उम्र पूछनी हो, यंग बंदे से, बच्चे से किसी से उम्र पूछनी हो, तो उसके लिए वो नी ची सुईला, मतलब ची सुईला को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर दें वो समझ जाएंगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन तो कर दिया कि आपकी उम्र कितनी है, तो इसका आंसर भी तो कोई होगा ना, आंसर कैसे देना है? तो दोस्तों अगर आप नी तुआ ताला कहते हैं या नी ची सुईला कहते हैं तो दोनों के लिए आंसर आपने सेम तरीके से देना है। वो तरीका क्या है, वो ये है, आपने कहना है जी वा मेरी, शिर है, अर शिर की जगह आपकी जितनी भी उम्र है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, वाशिर अर्शिर सुईला, मैं 20 साल का हूं, अर्शिर होता है 20, वाशिर अर्शिर सुईला। चाहे आप तुआ ताला से पूछें या ची सुईला से पूछें, जिस तरह मर्जी क्वेश्चन पूछें जवाब सुईला में ही देंगे आप, वाशिर अर्शिर सुईला। ये देखें, वाशिर शिर लियो सुईला, मेरी उम्र 16 साल है। यहां पे आपने एज बतानी है, जब शिरल्यू लिखा हुआ है यहां पे आपकी जितनी भी एज होगी, सुईला वैसे सेम आएगा और शिर भी सेम आएगा। यहां पे आपने जिस बंदे की एज बता रहे हैं, वाह मेरी है, मेरे पापा की होगी तो वादा पापा, उसकी होगी तो था, ठीक है? था शिर शिरल्यू सुईला। मैं फिर से बता दू, तुआ ताला के साथ क्वेश्चन पूछा जाए या ची सुईला के साथ क्वेश्चन पूछा जाए, जवाब सुईला में ही देना है, ठीक है? वाशिर वुशिर अर सुईला, मेरी उम्र 52 साल है, 52 इयर्स ऑफ एज। अब ये इससे क्वेश्चन पूछता है जी नी तुआ ताला, आपकी उम्र कितनी है, वो कहता है वाशिर अर्शिर सुईला, मैं 20 साल का हूं। नी तुआ ताला, आपकी उम्र कितनी है, ये कहता है वाशिर ल्यूशिर सुईला, मेरी उम्र 16 साल है।
ये कहता है जी नीची सुईला आपकी उम्र कितनी है, वो कहता है वाशिर शिर सुईला मेरी उम्र 10 साल है। ये कहता है जी नीची सुईला आपकी उम्र कितनी है, वो कहता है वाशिर पाशिर सुईला मेरी उम्र 80 साल है। तो देखा दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारा मेन जो टॉपिक था वो था एज पूछने के लिहाज से कि आपने एज कैसे पूछनी है और फिर उसको आंसर कैसे देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और क्योंकि ये एक सीरीज है और मैं कुछ वक्त के बाद वीडियोस अपलोड करता रहता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी और आप इनको शेयर लाजमी करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर, तो आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं जिनके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है सीखने के लिए वो इससे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।